हेलो फ्रेंड्स, यूके निटिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसान पैटर्न शेयर करने जा रही हूँ। इस पैटर्न को आप और प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, बनके बहुत ही सुंदर हमारा ये पैटर्न आ जाता है और फ्रंट साइड से हमारा ये पैटर्न बनना स्टार्ट होता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब देखिए फ्रंट साइड से पैटर्न की फर्स्ट रो में देखिए पहला फंदा उतार लेंगे और फर्स्ट रो को हमने सीधा बुनते हुए कंप्लीट करना है फ्रंट साइड से। ये देखिए फ्रंट साइड से हमारी पैटर्न की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से सेकंड रो। अब सेकंड रो में देखिए पहला फंदा उतार लेंगे और बैक साइड से सेकंड रो को हमने उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है। ये देखिए बैक साइड से हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए फ्रंट साइड से थर्ड रो। अब थर्ड रो को हमने फर्स्ट रो की तरह सीधा बुनते हुए कंप्लीट करना है। कि फ्रंट साइड से हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से फोर्थ रो। अब फोर्थ रो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे। अब देखिए ये चार फंदे हमने सीधे बुन लेने, एक दो तीन और चार, ये चार फंदे सीधे बुने। अब देखिए नेक्स्ट हमने नौ फंदों में पैटर्न डालना है तो नौ फंदों को हम देखिए यहाँ पे ट्रिपल रोल करके बुनेंगे। तो देखिए ये धागा पीछे ही रहेगा। अब देखिए एक दो और तीन, ये सिलाई पे हमने धागे को तीन बार लपेटा और एक फंदा बुन लेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट फंदे में सेम प्रोसेस रिपीट होगा, एक दो और तीन। ये देखिए धागे को हमने सिलाई में तीन बार रोल किया। फिर नेक्स्ट हमने यही प्रोसेस रिपीट करना है, एक दो और तीन, तीन फंदे हो गए, चार पाँच छः सात आठ और नौ। तो देखिए ये नौ फंदों में हमने पैटर्न डाल दिया। अब नौ फंदों में पैटर्न डालने के बाद देखिए धागा पीछे ही रहेगा और देखिए चार फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन और चार, ये चार फंदे सीधे बुन दिए, धागा अपनी साइड, लास्ट का फंदा उल्टा। तो देखिए बैक साइड से हमारे पैटर्न की फोर्थ रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए फ्रंट साइड से फिफ्थ रो। अब फिफ्थ रो में देखिए पहला फंदा उतार लेंगे और देखिए चार फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन और चार, ये चार फंदे हमने सीधे बुन लेने। ये चार फंदे सीधे बुनने के बाद देखिए नेक्स्ट हमने देखिए जो इन नौ फंदों में पैटर्न डाला है, इन नौ फंदों को देखिए एक एक करके हम ऐसे खोल लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नौ। ये देखिए नौ फंदे हमने सिंगल कर दिए,
ये जो तिरपाल रोल करके बुने थे हमने ये फंदे, इनको हमने सिंगल कर दिया। अब इन 9 फंदों को हमने एक साथ बुनना है और 9 फंदे बना लेने। तो देखिए ऐसे धागा पीछे ही रहेगा और देखिए ये एक हो गया, धागा अपनी साइड दो, फिर देखिए इन फंदों को बुनेंगे, ये तीसरा फंदा बन जाएगा, धागा अपनी साइड चार, फिर देखिए बुन के ये पांच, फिर धागा अपनी साइड छः, फिर देखिए इन फंदों को बुनेंगे तो देखिए सातवें नंबर का फंदा बन गया, फिर धागा अपनी साइड ये आठवें नंबर का फंदा बन जाएगा, और फिर एक बार इन फंदों को बुनेंगे तो ये हमारे नौवें नंबर का फंदा बन जाएगा। तो देखिए 9 फंदों को हमने एक साथ बुना और इनसे हमने ये 9 फंदे बना दिए, ये देखिए। फिर देखिए नेक्स्ट हमने 4 फंदे सीधे बुनने हैं, 1, 2, 3 और 4 लास्ट का फंदा सीधा। तो देखिए फ्रंट साइड से हमारी 5th रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से 6th रो। अब 6th रो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे और बैक साइड से 6th रो को हमने उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है। ये देखिए जो ये पैटर्न वाले फंदे हैं इनको एक एक करके बुन लेंगे, उल्टा बुनेंगे इन फंदों को, ये देखिए। ये देखिए बैक साइड से हमारी 6th रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए फ्रंट साइड से 7th रो। अब 7th रो में हमारा पैटर्न रिपीट होगा, 7th रो को हमने 1st रो की तरह बुनते हुए कंप्लीट करना है और बैक साइड से जो 8th रो आएगी उसको हमने 2nd रो की तरह बुनते हुए कंप्लीट करना है। इस तरह हम अपने पैटर्न को रिपीट करते जाएंगे और बन के देखिए हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसान पैटर्न है, आप इसे ऑल प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप हमारे चैनल में नई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।